अपनी भारत जोड़ो यात्रा में आज दिल्ली पहुंचे हैं। इस यात्रा में आप स्वयं अपने को कितना भारत से जोड़ पाए और अपनी पार्टी को अंदर में कितना जोड़ पाए, इस पर तो सवाल उठेंगे और उठने भी चाहिए। लेकिन ये तो हम सबों ने देखा कि आपके साथ चलने वाले ऐसे बहुत भी लोग थे जो टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हैं, उनके नाम जग जाहिर हैं, उनकी सोच भारत के सामने है। ऐसे लोग भी आपके साथ चलकर भारत को जोड़ने की बात कर रहे थे, इससे बड़ी तो आश्चर्य की बात कुछ हो नहीं सकती। हमने आपकी इसी यात्रा में आपके कुछ वक्तव्य भी सुने कि आपने महान देशभक्त वीर सावरकर को अपमानित किया, वो भी महाराष्ट्र में। आपने भारत की सेना की देशभक्ति पर फिर सवाल उठाए और आपने कैसे शब्दों का प्रयोग किया कि चीन के सरहद पर भारत की सेना की पिटाई हुई है। क्या बोला आपने? आज भारत की सेना चीन की सरहद पर कितना मजबूती से साहस और शौर्य दिखा रही है, और आपके लिए क्या, उनके लिए आपने क्या शब्द का प्रयोग किया? मैं 1962 की बात तो नहीं याद दिलाऊंगा आपको, लेकिन आप भारत के दर्शन करने निकले हैं तो भारत का एक बहुत बड़ा दर्शन यह भी है कि भारत की सेना का हमेशा हम सम्मान करते हैं। विचारधारा कुछ भी हो, राजनीति कुछ भी हो, तो एक छोटा पार्ट भी आप नहीं सीख सके। अब आप दिल्ली आए हैं, आप जरूर घूमिए, और एक बात आपसे कहूंगा कि आप एक तरफ कहते हैं कि मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर के आया हूं, और भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कैसी टिप्पणी आप करते हैं, आलोचना के अधिकार का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी जिस तरह की टिप्पणी होती है उसमें लगता है कि आपके हृदय में एक तल्खी है। तो राहुल जी, भारत को समझने का एक ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि जनता अपने मत से जो आशीर्वाद देती है उसको स्वीकार करना चाहिए। थोड़ा हृदय बड़ा करिए तो भारत की आपको नई सीख दिखाई पड़ेगी।